नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। यूपी की सत्ता में जिनकी धमक हुआ करती थी, आवाज और पावर की हनक दिखा करती थी, राजनीति की रफ्तार भी वही है, लेकिन आजम खान को पहचान पाना मुश्किल है। ये तस्वीर विचलित करती है, क्या से क्या हो गए आजम खान। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतारामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है और इलाज के लिए उन्हें राजधानी लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इलाज के लिए उन्हें लखनऊ ले जाया गया। मेदांता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि आजम खान को कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से दोपहर करीब 3:30 बजे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि क्रिटिकल केयर टीम और अन्य विशेषज्ञों का दल उनकी जांच कर रहा है तथा अभी उनकी तबीयत स्थिर और नियंत्रण में है। मालूम हो कि सीतापुर जेल में कोरोना संक्रमित होने के बाद सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां सांसद को किडनी में समस्या हो गई थी, बाद में उन्हें पेशाब उतरने में भी समस्या हो रही थी। ऑपरेशन के बजाय दबाव से चिकित्सीय प्रबंध किया गया। ठीक होने पर 13 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया था। यहां से उन्हें दोबारा सीतापुर जेल भेज दिया गया था। गौरतलब है कि पिछले 5 दिनों से आजम अपने बेटे अब्दुल्लाह के साथ जेल में थे। इस बीच सोमवार को एक बार फिर से आजम की हालात बिगड़ गई। बताते हैं कि आजम का ऑक्सीजन लेवल 90 तक आ गया। इसकी सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर जेल अधीक्षक सुरेश सिंह, जेलर RS यादव, जेल के डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। आजम का चेकअप किया गया, लेकिन ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने की वजह से उनकी हालात को नाजुक देखते हुए लखनऊ ले जाने का फैसला किया गया। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे SCN न्यूज। शुक्रिया।